नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे शो में और आज के स्पेशल एपिसोड में। हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के स्त्री के लिए कौन से राशि का पुरुष बहुत ही अच्छा जीवन साथी साबित हो सकता है। तो अक्सर पाया गया है कि जैसे ही शादी की बातें होती है घर में, तो लड़का और लड़की दोनों ही आने वाले जीवन को लेकर के बहुत सारे सपने देखने शुरू कर देते हैं, पर उन्हीं सपनों के बीच में कुछ प्रश्न भी उठते हैं। अक्सर ये प्रश्न ये बोला जाए कि हमारी मान मर्यादा जो है उसके कारण हम पूछने से कतराते हैं, क्योंकि जब माता पिता का कोई भी डिसीजन लिया हुआ हो उसे गलत कोई बच्चा नहीं बोल सकता। पर आज का जीवन देखते हुए, आज की दुनिया को देखते हुए हर कोई प्रश्न तो पूछना चाहता है, पर बात यह है कि पूछे किससे। माता पिता के सामने पूछने से शर्म आती है और पंडित जी से पूछने में तो अपने आप ही सबके सब पानी पानी हो जाते हैं। पर क्वेश्चंस हैं क्या ये? उनका पति कैसा होगा? उनका कैरेक्टर कैसा होगा? कहीं गुस्से वाले होंगे या बहुत प्यार करने वाले होंगे? खर्चालू होंगे या बचत करने वाले होंगे? क्या वो जिंदगी में आपको हमेशा खुश रखेंगे, हमेशा अपने माता की साइड में लेते हुए, अपने माता पिता की साइड में रहते हुए आपको हमेशा अपने आप से दूर रखेंगे? ऐसी क्या चीजें हैं? इतने सारे सवाल हैं, तो उन सवालों का उत्तर क्या है? तो इन्हीं सब सवालों का उत्तर लेकर के मैं पूरी सीरीज आप सभी के लिए बनाया हूं। हम हर राशि के ऊपर, हर राशि के लड़के के लिए अलग और लड़की के लिए अलग एक एपिसोड बनाते हैं। उसमें हम बात करते हैं कि उनका कॉम्बिनेशन हर राशि के लड़के के साथ में कैसा रहेगा। तो अक्सर जैसे कि आज की जनरेशन में देखा जाता है, हर किसी के पास में फ्रेंड्स होते हैं जिनको वो लाइक करते हैं, जिनसे शादी करना चाहते हैं, किन्हीं के साथ में रिलेशनशिप में है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो अक्सर हम बच्चे अटक जाते हैं कि हमें शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है, फिर चाहे कुछ भी हो। पर अगर हमें मालूम चल जाए जो आज चल रहा है वो कल नहीं होने वाला है, और ये पक्का है, संतुष्ट हर कोई, मतलब पूरी पूरी गारंटी के साथ में अगर कोई बोल सकता है कि आने वाला जो समय है वो आप दोनों के बीच में सही नहीं होगा, आप सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइसेस करेंगे, आपकी मैरिड लाइफ जो है वो खराब होगी, तो आप क्या अपना कदम आगे बढ़ाएंगे? मेरे ख्याल से इसका उत्तर बहुत ही साफ है और बहुत ही सिंपल है। सीधा सीधा जवाब होगा नहीं। मैं उसी के साथ में जिंदगी बिताना चाहूंगी जिसके साथ में मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकूं, अच्छे से जी सकूं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करें। नॉर्मल है, हर कोई यही चाहता है। तो कुंडली विश्लेषण करवा करके हम सब चीजें जान सकते हैं। जब हम राशि की आज यहां पर बात कर रहे हैं, हम राशि के अंदर 12 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी राशि की स्त्रियों की। तो क्या उन हर 12 करोड़ औरतों को ऐसे ही बहुत ही अच्छा पुरुष मिल सकता है? जब राशि की बात करते हैं, राशि ओवरऑल आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है, पर कुंडली आपको पर्सनली बताती है कि आप एक्चुअल में कैसे हैं, क्या समय है, क्या नहीं है, आपके बच्चे होंगे, कैसे होंगे, कौन होंगे, क्या वो अपना नाम बना पाएंगे, क्या आपको बच्चों का सुख मिलेगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके उत्तर आपको यहां मिलेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि की स्त्रियों के बारे में बात करना कि आपके लिए जीवन साथी है तो कौन है? क्या असल में ऊपर वाले ने आपके लिए कोई ढूंढ करके संजो के रखा है जिससे सिर्फ और सिर्फ आप ही शादी करेंगी? तो इन्हीं सवालों का उत्तर लेकर के आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी कंपैटिबिलिटी की आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि के पुरुष के साथ में। तो वृश्चिक राशि की स्त्रियां जो है वो स्वभाव बहुत ही अलग है बाकी हर किसी से। ये हर तरह का कार्य कर सकती हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई भी आप काम थोपिए यह आपको करके ज़रूर दिखा सकती हैं, और जिनकी हमें उम्मीद भी ना हो वो भी करके दिखा सकती हैं। लेकिन ये जिन्हें प्यार करती हैं उन्हें भी दिलोजान से चाहती हैं, बहुत ही ज़्यादा अपना पूरा पूरा पोटेंशियल, जो एक तरीके से बोला जाए अपने अंदर जो भी भाव हैं वो पूरे उनको समर्पित कर देती हैं। तो इसके कारण इस राशि वालों को जीत हर कीमत पर चाहिए, इसलिए मेष राशि वाले पुरुषों को चाहिए कि उन्हें यही एहसास देते रहें कि ये जीत रही हैं, वो इन्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना वो इनसे प्यार करती हैं, जो वो अपनी तरफ से डील लेकर के आ रही हैं उतना ही आप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तभी ये साझेदारी आपकी, ये कॉम्बिनेशन सही से बन पाएगा। पर इसी के साथ में और एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, वृश्चिक राशि की स्त्री जब मेष राशि के पुरुष के साथ में आती है तो बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाती है। तो मेष राशि के पुरुष को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इमोशंस नहीं हर्ट करे, जो बात है उसे क्लियरली बोले, लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे और उसी के साथ में लविंग रहे। तो अब बात करते हैं वृष राशि के पुरुष की और वृश्चिक राशि की स्त्री की। तो इस राशि की स्त्रियां हैं
उनको संभालना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। वो नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है हैंडल करने के लिए, पर यहीं पे अपने पति की हर बात मानती हैं जब तक वो उस पर थोपी नहीं जाती। यानी कि प्यार से बोल दी तो जो बोलोगे हो जाएगा, पर जैसे ही मुझे ये काम चाहिए है और आपको ये करना है ऐसे शब्द आ गए, तो फिर किसी की मजाल है कि आपसे वो काम करवा ले। ये दोनों कहते हैं कि हम में माफ़ करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, यानी कि भगवान का दूसरा रूप है, आप एक दूसरे को मानते हैं कि कोई भी गलती हो हम माफ़ कर देते हैं। आप माफ़ बहुत ही मुश्किल से करते हैं, पर माफ़ करने के बाद में भी भूलते नहीं हैं कि क्या ठेस पहुंचाई गई है और किसने ये ठेस पहुंचाई है। हमेशा याद रखते हैं और उसका बदला लेने के लिए अब तट पर खड़े रहते हैं। हालांकि अब दोनों अपने आप से बहुत ही ज़्यादा बार अपने आप को ही झूठ बोलते नज़र आते हैं। आप एक दूसरे को कभी क्षमा नहीं कर पाते हैं और जरूर मुंह पे आप ज़रूर दिखाएंगे कि सब कुछ नॉर्मल है, पर अंदर ही अंदर जो चल रहा है वो आप दोनों ही अपने आप में जानते हैं। बस आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना, थोड़ा पैशनेट होना, थोड़ा कंपैशन रखना। अगर ये सब कर लिया और एक दूसरे के साथ में सच बोलना शुरू कर लिया तो ये जो रिश्ता है ये आपके लिए आगे बढ़ सकता है। अच्छा है रिश्ता, कंपैटिबिलिटी अच्छी है, पर बस ये एक जो प्रॉब्लम है इसे हैंडल करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के पुरुष की और वृश्चिक राशि की स्त्री की। तो यहाँ पे पुरुष जो है वो स्त्री से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, यानी कि वृश्चिक राशि की जो स्त्रियाँ हैं उनके लिए एक तरीके से लॉटरी है। वो जितना देती हैं इस रिलेशनशिप में उसे कहीं ज़्यादा प्यार अपने आप के लिए पा रही हैं। इनमें एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा वफादारी भी होती है, जो एक दूसरे के ऊपर लेकर के लॉयल्टी की है, या ये कहें कि क्या रीजंस हैं ऐसे जिसके कारण झगड़े होते हैं दोनों के बीच में, वो ये दोनों ही जानते हैं, और उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, वो भी दोनों जानते हैं, पर मतभेद फिर भी होते हैं और उसको सुलझाने का जो रास्ता है वो आपके पास में लॉटरी के रूप में आ ही चुका है, जो है बहुत सारा प्यार। बस इस प्यार जो है इस प्यार को चलाने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और वापस उतना ही रेसिप्रोकेट करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो भी मतभेद हैं वो अपने आप आपकी ज़िंदगी से हट जाएं। तो अब बात करते हैं कर्क राशि के पुरुष की और वृश्चिक राशि की स्त्री की। इनकी जोड़ी बहुत ही बेस्ट है, ये साथ साथ हर काम करते हैं और मिलकर करते हैं, यानी कि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। इनमें प्यार बहुत होता है और विवाद भी बहुत ही ज़्यादा होता है, पर कभी कभी स्वस्थ जीवन भी जीने के लिए इनको एक दूसरे की भावनाओं को समझने की ज़रूरत पड़ती है। स्वस्थ दाम्पत्य जीवन जीने के लिए इनको एक दूसरे की भावनाओं को, इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को समझने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर ये जैसे ही समझ जाते हैं तो जहाँ पे कोई गलती हुई है वहाँ पे फटाफट जाके उसको करेक्ट करके वापस गाड़ी को पटरी पे ला देते हैं। तो अब बात करते हैं सिंह पुरुष की और वृश्चिक स्त्री की। तो इनमें विवाद की वजह अक्सर ज़िद्दीपन होता है, अड़ियलपन होता है, क्योंकि सिंह राशि वाले पुरुष ज़िद्दी हैं। इनमें प्यार के अलावा भरोसा ही रिश्ते में आवश्यक है, यानी कि लॉयल्टी, ऑनेस्टी ही ज़रूरत है। यहीं पे स्त्री कभी कभी चुप रह जाती है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो दबाव में बैठी हैं। कभी कभार वो जानती हैं कि बिना बात के बोल के झगड़े को और ज़्यादा बढ़ाने के कारण उससे अच्छा चुप रह करके झगड़े को शांत होने दिया जाए। जैसे ही शांत हो जाएगा फिर अपनी बात रख करके पॉइंट बना लिया जाएगा और जो झगड़ा है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। अगर सिंह राशि वाले चाहें तो समझदारी से जीवन भी जी सकते हैं, अगर ये कुछ बातें अपने पत्नी की भी मानना शुरू कर दें तो। और अगर आपकी शादी हो चुकी, आप वृश्चिक राशि की स्त्री हैं और सिंह राशि के आपके हस्बैंड हैं, तो मेरी विनती है कि आप ये उन्हें ज़रूर दिखा दीजिएगा कि शायद ये बात उन्हें पसंद आ जाए, जिसके कारण जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो अब बात करते हैं कन्या राशि के पुरुष की और वृश्चिक राशि के स्त्री की। इस राशि के पुरुषों को हमेशा कोई ना कोई तकलीफ हमेशा रहती है, बेसिकली अगर बोला जाए या तो फिर कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम रहती रहेगी, जिसका डॉक्टर के पास में आप जाओगे तो कोई इलाज नहीं है, वो बोलेगा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो इलाज कहाँ से दूंगा, ऐसे ही आपको गोली लेनी है तो ले लो, उसके अलावा क्या है। अगर प्रॉब्लम फिजिकल नहीं है तो मेंटल हो जाएगी कि क्या हुआ, आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज खराब लग रहा है, आज मूड नहीं है, आज कहीं बाहर नहीं जाने की इच्छा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर वो अपने आप ही आती रहती हैं और अपने आप गायब हो जाती हैं। पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके कारण कभी खुद को तो कभी पूरे परिवार को परेशानी में डाल देती हैं।
इस राशि के पुरुष को यह समझना चाहिए कि जिंदगी में वो ही खास है जो दिल के पास है, और ये उसे केवल एक वृश्चिक राशि की स्त्री समझा सकती हैं। ये दोनों ही चाहते हैं कि ये आपस में प्यार से रहें और खुशी से रहें और ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से बिताएं। पर अक्सर ये जो फीलिंग थी जो मैंने आपको ऊपर डिस्क्राइब की थी कि अपने आप को लेके हमेशा अनकंफर्टेबल पाते हैं, हमेशा कोई ना कोई बीमारी देखते रहते हैं, तो वो ही हटाने की ज़रूरत है। उसका रूट कॉज ढूंढने की ज़रूरत है और उसे जड़ से हटाने की ज़रूरत है ताकि आने वाला जो जीवन है वो सुखद बीत सके। तो अब बात करते हैं तुला राशि के पुरुष की और वृश्चिक राशि के स्त्री की कंपैटिबिलिटी की। तो यहाँ पे पुरुष शीतल है और जल्दी दुखी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल होता है, इन्हें कोई भी दर्द दे देता है और बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस भी कर देता है। यहीं पे स्त्री जानती है कि वो व्यक्ति बात कह रहा है, उसका सही अर्थ क्या है और क्या वो बोलना चाहता है और उसको क्या समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर स्त्री समझती है। क्योंकि पुरुष कभी सीधे ढंग से बात नहीं करता, क्योंकि हर किसी से जब ठेस मिलती है, हर किसी से धोखा मिलता है, तो इंसान का जो बात करने का तरीका है वही चेंज हो जाता है। तो इसके कारण यहाँ पे जो महिला है वो बहुत ही अच्छे से समझ पाती है अपने लाइफ पार्टनर की हर एक ज़ुबान को, वो क्या कहना चाहते हैं उस वक्त उनका क्या मतलब है। और कई बार इन दोनों का ऐसा भी देखा जाता है कि आँखों आँखों में पूरी बात कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि क्या एक दूसरे को बोलना चाहते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल करके आगे बढ़ जाते हैं। इन स्त्रियों को कभी कभी गुस्सा भी आता है और जायज़ भी है, क्योंकि हर समय जिस तरीके से पुरुष बात कर रहा है उसके कारण कभी ना कभी तो अंदर खुद के भी इरिटेशन शुरू हो जाती है। पर असल में देखा जाए तो इस राशि की जो स्त्री है वो शांत स्वभाव की है, वो भी उतनी ही इमोशनल है, तो जिसके कारण यहाँ पे जो इनका लाइफ पार्टनर है, जो आदमी है, उसे भी समझने की ज़रूरत है कि हद से ज़्यादा कभी परेशान नहीं करना चाहिए है, क्योंकि गुस्सा जो है वो कितना भी पीने की कोशिश करें पर कभी ना कभी दिख जाता है। तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो दोनों इमोशनली एक दूसरे को ज़रूर सपोर्ट देंगे, पर उसके कारण इमोशनली सपोर्ट देते देते अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। उस तरीके से सिचुएशन आ जाती है कि सिर्फ देना ही देना है इस रिलेशनशिप में, मिलना वापस कुछ भी नहीं है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे उस तरीके से हो जाती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की स्त्री की वृश्चिक राशि के पुरुष के साथ में। इन दोनों में कमज़ोरी है कि ये दोनों जाने अनजाने में एक दूसरे को दुख पहुँचा देते हैं। ये अपने दिल की बात किसी से भी नहीं कहते हैं बाहर, क्योंकि ये जानते हैं कि जो घर की प्रॉब्लम है उसे बाहर का तमाशा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली होना क्या है, बाहर लोग जानेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को जानेंगे, आपको पहचानेंगे, उसके बाद में आपके लिए सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे बल्कि आप पे हंसेंगे। अक्सर लोगों के घर में मैंने ये देखा है, जो घर की प्रॉब्लम घर में ही सुलटा लेते हैं उनका घर बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है, बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी से आगे बढ़ता है। पर वहीं पर जो लोग बाहर वालों का इंटरफेरेंस लेना शुरू कर देते हैं, एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, देखते ही देखते अपने पूरे घर को बर्बाद कर देते हैं। तो जो प्रॉब्लम जिनके साथ में है, घर की प्रॉब्लम घर के अंदर ही सुलटा ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि यहाँ पे हम बात करें मियाँ बीवी की, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमरे में ही बात करके अच्छे से उसे समझ लीजिए, उसे सुलझा लीजिए, ताकि बाहर जा कर के दूसरे लोगों के लिए तमाशा आप ना बन जाए। और तमाशा बनने के बाद में होता क्या है, दुनिया अपना काम करती है, 6 चीज़ें बोलती है, आपके बारे में बुराई करती है और किसी के बारे में अच्छा ही करती है, तो उसके बाद में भला तो शायद मेरे ख्याल से आपका नहीं हो पाता। तो इस बात को समझिए और घर की बात को घर के अंदर ही सुलझाइए। और इसी मामले में आप जो पति पत्नी हैं बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए भी हैं, बस बात है कि उस लिटिल पुश की, जो आप दोनों एक दूसरे को समझ जाएं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें घर में सुलझा लें। बाकी कंपैटिबिलिटी की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा होगी अच्छी आप दोनों की। अब बात करते हैं धनु पुरुष की और वृश्चिक स्त्री की। तो इस राशि के पुरुष जो हैं उनको चुनौतियां सामना करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और इन्हें चुनौती देते कौन है, वो देती हैं वृश्चिक राशि की स्त्री। ये सोचती हैं कि वो जो दिखता है वो होता नहीं है और वो गलत है, जो पुरुष जैसे बाहर दिखते हैं वैसे ही अंदर से भी वैसे ही होने चाहिए। यानी कि जो टू फेसेस होते हैं वैसे इनको पसंद नहीं आते। एक्चुअल में जो देखा जाता है यहाँ पे, जो आदमी है, जो मेल है इनके कॉम्पोजिशन के अंदर, वो पूरी दुनिया के सामने बहुत ही ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ नज़र आता है।
बहुत ही ज़्यादा सुलझावा नज़र आता है, बहुत ही ज़्यादा काम नज़र आता है, पर असल में उसका टोटली ऑपोजिट है जब घर में आ जाता है। तो वो चाहती हैं जो वीकनेस है उसे भी आराम से पोर्ट्रे किया जाए, उसके साथ में फाइट किया जाए, इंस्टेड ऑफ कि एक मुखौटा डाल करके ज़िंदगी में चला जाए, क्योंकि वो जो भी है पारदर्शिता में पूरा पूरा भरोसा रखती हैं। अब समझौता एक तरह से इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता। अगर समझौता करना है तो दोनों पार्टीज़ को एक कॉमन ग्राउंड ढूंढने की ज़रूरत होगी। इसमें स्त्री को पुरुष में सच्चाई पसंद है, पर इन्हें धैर्य यानी कि पेशेंस और इंटेलिजेंस दोनों से काम लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं मकर राशि के पुरुष की और वृश्चिक राशि की स्त्री की। ये विचारशील ज़्यादा हैं, जैसे कि हम नहीं जानते हैं, क्योंकि ये लोगों के बीच में अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं, ये कम बोलते हैं, इसलिए ये स्त्री अपने आप के इनके साथ सुरक्षित पाती हैं अपने आप को। मकर राशि के पुरुष जो हैं उनको किसी बात का डर नहीं है, सिवाय गरीबी के, फेलियर के। ये जो चाहते हैं ज़िंदगी में, बस चाहते हैं कि वहाँ तक पहुँचें और जो भी हो, अपनी लाइफ पार्टनर है, अपनी फैमिली है, उन्हें फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर सकें। पर सबसे बड़ा डर भी इनका एक ही है, क्या हुआ अगर ऐसा ना हो पाए तो, जिसके कारण ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बार डिप्रेशन में पाते हैं या तो फिर परेशान पाते हैं। अब यहाँ पे इन स्त्रियों को समझौता करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अपने पुरुष से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं और इसी के साथ में पेशेंस ही इसका सबसे गहरा अच्छा दोस्त बन करके सामने आ सकता है। सामने वाले को रीअश्योरेंस देना है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, उसकी राह सही है, उसकी परेशानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुद को डाउट करना है। अगर इतनी से आपने बात समझा दी तो मेरे ख्याल से मकर राशि के जो पुरुष हैं उन्हें भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा और ज़्यादा अच्छे से काम करने की ताकत मिलेगी, घर में प्यार मिलेगा, जिसके कारण आगे जा करके दुनिया जीतने में आसानी होगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि के पुरुष की और वृश्चिक राशि की स्त्री की। इस राशि की जो स्त्रियां हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट चाहती हैं, अपनी खुद की पर्सनैलिटी चाहती हैं, थोड़ा स्पेस चाहती हैं और उसी के साथ में इमोशंस बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि उसमें भी ये सब आदतें हैं, यानी कि जो पुरुष है उनमें भी ये सब आदतें वो ढूंढती हैं, और क्योंकि खुद के अंदर भी ये सारी आदतें होती हैं। लेकिन लोग सिर्फ यही जानते हैं कि ये सब विचार हैं, ये सिर्फ थॉट्स हैं और ये फ्रूटफुल कभी नहीं हो सकते हैं। पर जब इन दोनों का मिश्रण मिले, यानी कि वृश्चिक राशि के पुरुष का इनके साथ में अगर कंपैटिबिलिटी बैठने को अगर पूछी जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बैठती है, और उसी के साथ में आगे आने वाला जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मधुर बीतता है। कुंभ राशि वाले वृश्चिक राशि वालों से हमेशा आगे रहते हैं, दो कदम आगे रहते हैं, चाहे सोच में हो चाहे एक्शन में हो, इंडिपेंडेंट रहते हैं, स्पेस चाहते हैं, इमोशंस हमेशा अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, पर वहीं पर सक्सेस भी उतनी ही ज़्यादा चाहते हैं। इसलिए इन्हें इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। उनको अगर उसी के साथ में बराबर में खड़े होना, अपनी वाइफ के साथ में बराबर कंधे से कंधा लगा करके चलने की आदत है, तो आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनसे। आपको सक्सेस के रास्ते पे ले जाएगा ये, आपको सच्चा प्यार दिलवाएगा ये, और वहीं पे एक ऐसा लाइफ पार्टनर देगा जो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा आपके लिए। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर देखा जाए, जो इसको बोलते हैं फुल पैकेज, तो फुल पैकेज तो आप दोनों की राशि ही बना सकती है कंपैटिबिलिटी के नज़रिए से। तो अब बात करते हैं मीन राशि के पुरुष की और वृश्चिक राशि की स्त्री की। तो ये जब प्यार करने लगते हैं तो इनकी ज़िंदगी बहुत हद तक बदल जाती है, फिर इनकी ज़िंदगी में कई तकलीफ़ों का सामना इनको करना पड़ता है और अपने रिश्तों को कायम रखने के लिए और ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। वहीं पर ये पुरुष हमेशा अपनी पत्नी पर शक करते रहते हैं, उनकी लॉयल्टी पर क्वेश्चन करते रहते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। लेकिन इन स्त्रियों में भी खासियत होती है कि ये प्यार से पुरुष को अपने से बांधे रखती है, जो भी सवाल हैं उनके उत्तर अपने आप उनके सामने आ जाते हैं। इन दोनों में मन मुटाव भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है और इसी कारण ये अलग भी हो जाते हैं। पर कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि अलग होने के बाद में अगर इनको लगता है कि यही इनके लिए एक सच्चा प्यार था तो फिर से मिल भी जाते हैं। तो ये तो हुआ किस तरीके से आने वाला जीवन जो है, दाम्पत्य जीवन है, वो कितना खुश हो सकता है या तो फिर कितना ज़्यादा परेशानी देने वाला हो सकता है। पर ध्यान रखिएगा,
जब हम राशि पे बात करते हैं तो हम बात करते हैं 12 करोड़ लोगों की। अब उन 12 करोड़ लोगों में हर इंसान का सेम ही फ्यूचर हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो धीरूभाई अंबानी जो थे तो वो जितना नाम अपना ऊपर लहराए हैं, अपना परचम लहराए, रिलायंस इंडस्ट्री बनाए हैं, उसी तरीके से सारे राशि वाले बना सकते थे। पर यहां पे काम आती है आपकी कुंडली। क्या कहती है आपकी कुंडली, क्या कहती है मैच मेकिंग, कितने गुण मिलते हैं, ये तो हर पंडित आपको बता सकता है। पर असल में जो बात देखने की होती है वो होती है आप दोनों के लाइफ टाइम की। जब आपका खराब समय आए तो आपके लाइफ पार्टनर का समय तो पॉजिटिव होना चाहिए, जिसके कारण वो आपको सपोर्ट कर सके। जब उनकी लाइफ में ऐसा टाइम पीरियड आए तो आप उन्हें सपोर्ट कर सकें। और जब आपका पीक होता है आपकी एज की, जहां पे आप फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, तो उस वक्त आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहिए हैं, ताकि आने वाला जीवन जो है, आपके बच्चों का जीवन जो है, माता पिता का जीवन है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बीत सके। उसी के साथ में आप भी दाम्पत्य जीवन का सुख पूरी तरीके से ले सकें। तो अक्सर लोगों को देखा गया है कि जब बात आती है कुंडली की, कुंडली विश्लेषण की या तो फिर कुंडली मिलान की, तो एक ढकोसले के कारण वो या तो फिर किसी गलत इंसान से मिला लेते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं अपने बच्चों की, ताकि जहाँ पे वो चाहते हैं वहीं पे शादी हो। और ऐसे बहुत लोगों को देखा हूँ जो अपनी बेटी की एक अच्छे घराने में शादी कराने के लिए अपने बच्ची की कुंडली ही गलत बना करके भेज देते हैं। इससे होना कुछ नहीं है। शादी हो भी गई, मान लीजिए कि सामने वाले ने शादी कर भी ली, तो उससे होना क्या है, ना आपकी बच्ची खुश रह सकती है, ना वो लड़का खुश रह सकता है। आपने अपने ही हाथों से दोनों बच्चों का गला घोट दिया, तो क्या ये सही है या गलत है? इस बात को समझते हुए मैं आप सभी को बोलता हूं, ज्योतिष अपने आप में साइंस है, इस बात को समझने की और मानने की जरूरत हम सबको है। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं ज्योतिष का, मेरे से पहले मेरे पिताजी 35 साल से ऊपर इस फील्ड में है, मेरे दादा हैं वो भी इसी फील्ड में थे। मेरे दादा का शायद ज्योतिष के अंदर सबसे बड़ा रोल था। जब हम बात करते हैं रीसेंट हिस्ट्री की, हर घर के अंदर, हर इंसान के हाथ में ज्योतिष की पुस्तक पहुंचाना, उसको ज्योतिष के बारे में बताना कि ज्योतिष है क्या, वो मेरे दादा का काम था। इससे पहले रॉयल हाइनेस के लिए या तो फिर बड़े परिवारों के लिए ही हमेशा ज्योतिषी देखे गए थे, क्योंकि उन्हें अफोर्ड भी वही कर सकते थे, वो जो बोलते थे उनके उपाय भी वही कर सकते थे, दान पुण्य भी वही कर सकते थे। तो गरीबों के बीच में तो कभी ज्योतिष आ ही नहीं पाया। पर क्या इसका मतलब यह था कि ज्योतिष सिर्फ अमीरों के लिए था? ज्योतिष हर उस इंसान के लिए है जो अपने आप के लिए बेहतर अपना फ्यूचर चाहता है, वो कुछ अच्छा करना चाहता है अपनी जिंदगी में, अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहता है। तो इसी के कारण मैं और हमारे 3 जनरेशन, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और अब मैं, हम सब ज्योतिषी हैं और आप सबकी सेवा में हमेशा उपस्थित हैं। तो बस इसी के साथ मैं आज्ञा दीजिए, कल फिर एक नया एपिसोड लेकर के आऊँगा आप सभी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार एवं हमेशा के जैसे जय हिंद।